नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं पूजा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस का शुभारंभ शुक्रवार को इंदौर से टायलेट प्लेटफॉर्म से किया ताई ने। उज्जैन में खुलेआम दिया वारदात को अंजाम, रोड पर ट्रक रोक, लाश फेंक, भाग निकले आरोपी। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को पुस्तकों का विमोचन करने दतिया पहुंचे। शुक्रवार को इंदौर वेरावल एक्सप्रेस का शुभारंभ लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर स्थित आइलैंड प्लेटफॉर्म पर किया। इस साप्ताहिक ट्रेन को सोमनाथ एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। यह ट्रेन शुक्रवार को स्पेशल के रूप से शुरू हो रही है। इसके बाद हर मंगलवार रात 10:15 बजे इंदौर से वेरावल के लिए रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:05 पर वेरावल पहुंचेगी। ताई की पहल पर चलाई गई यह ट्रेन महाकाल और सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों को परस्पर जोड़ेगी। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र के कन्हारवाड़ी में 26 जून को देर रात हुई हत्या के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने नामजद किया है, साथ ही 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लूट की वारदात करने के दौरान विरोध करने पर चौकीदार को मौत के घाट उतारा था। झाड़ला के कचालिया चांद गांव के रहने वाला उज्जैन निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी करने वाले रमेश लाल की कहारवाड़ी में चाकू घूप कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक चौकीदार से मोबाइल और पैसे लूटने के दौरान विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हत्या के बाद दो आरोपी चौकीदार की लाश को उठाकर लगभग 50 फीट दूर ले गए और नाले के किनारे पटक कर भाग निकले। आरोपी घटनास्थल के पास होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। हत्या के इस मामले में पुलिस ने नाना कहार, हर्ष वर्मा और दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा रोहित कहार और मन्नू कहार अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। थाना महाकाल में एक मर्डर का हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसमें प्रारंभ में जो मृतक था अज्ञात था, पुलिस द्वारा मृतक की पहचान की गई। पहचान करने के पश्चात से ही जो प्रकरण हुआ था उसमें प्रारंभिक जो जांच की गई उसमें पता चला कि हत्या का प्रकरण है, और उसके पश्चात पुलिस ने जांच में कुछ CCTV कैमरे और अन्य सूत्रों से ये पता लगाया कि घटना किस प्रकार हुई है। और इसमें ये सामने आया कि लूट के उद्देश्य से 6 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा इसमें 4 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी इसमें जो हैं बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं जिनको कस्टडी में लिया गया है। वर्तमान में 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इसमें जो पुलिस टीम थी उसमें सभी अधिकारियों ने काफ़ी जल्दी ही इसका खुलासा किया। अज्ञात जो मृतक था उसकी पहचान करी और जो मशरूका था लूटा गया था वो भी बरामद किया तथा आरोपियों को गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव करीब आते ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह फिर से मुस्लिम समाज में जमीन तैयार करने में लगे हैं। इसी के चलते वह इंदौर पहुंचे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाल जानने एकाएक इंदौर पहुंचे। इमराम बाबा और अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष लकी गौरी व शेख अलीम ने दिग्विजय सिंह का श्रीनगर में स्वागत किया। उज्जैन के मक्सी रोड उद्योगपुरी में शुक्रवार को समय सनसनी फैल गई जब एक ट्रक में से कुछ लोग एक युवक की लाश सड़क पर फेंक कर भाग निकले। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। करीब 11:30 बजे एक ट्रक से कुछ लोग एक युवक की लाश सड़क पर फेंक कर भाग गए। मामले में पुलिस ट्रक की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक लगभग 30 साल का लग रहा है और उसके गले पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। युवक ने पैंट एवं शर्ट पहन रखी है। मामले की जानकारी देते हुए चिमनगंज मंडी थाना के SI वीरेंद्र बंदेवार ने बताया कि शव की सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची थी, जहां शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। यह हत्या है या दुर्घटना, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। सूचना मिली थी कि यहां उद्योगपुरी में महावीर टोल काटे के पास में एक शव मिला है, तो तत्काल टीम मौके पर रवाना होकर देखा तो लाश रोड पे पड़ी हुई थी और कुछ खरोंच के निशान दिख रहे हैं उससे। शायद संभवतः हो सकता है एक्सीडेंट हो या और कुछ हो, जिसकी जांच कर रहे हैं और जांच में जो पाया जाएगा उसको बताया जाएगा। लाश अभी तक पहचान नहीं हुई है, उसके दाहिने हाथ पे चंदन गुदा हुआ है, चंदन लिखा हुआ है, तो पता कर रहे हैं, पता करवाते हैं कि कौन है। पहले तो व्यक्ति की शिनाख्ती हो जाए
और फिर जो भी मामला है जांच में पता लग जाए। विधानसभा चुनाव करीब होने के कारण पिछले दिनों पुलिस विभाग से जारी हुई लिस्ट में उज्जैन से करीब 14 थाना प्रभारी सहित कई अधिकारियों की प्रशासनिक सर्जरी की गई थी, जहां उज्जैन रेंज DIG की उपस्थिति में SP अतुलकर ने सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों को रिलीव कर दिया। एक समारोह के तहत सभी का सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। चुनाव आते ही सरकारी तंत्र में फेरबदल होने लगा है, जिसके चलते सभी विभागों में अब स्थानांतरण होने लगे हैं। इसी कड़ी में पुलिस विभाग द्वारा 5 साल से जिले में पदस्थ सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों को इधर से उधर किया गया था, जहां उन्हें शुक्रवार को उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मान कर विदाई दी गई। स्लाइड क्षेत्र को देखें तो वहाँ की समस्याएं अलग हैं, महानगरों की समस्याएं देखेंगे तो अलग है। उज्जैन एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें महानगरी समस्याएं भी हैं और सांप्रदायिक विभिन्न तरह की जो पुलिसिंग हो सकती है, जैसा यहाँ के बारे में कहा जाता है कि 7 बार 9 त्यौहार, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक त्यौहार उज्जैन में मनाया जाता है। जो अभियान पवित्र उज्जैन पुलिस द्वारा चलाया गया है, ये लगातार जारी रहेगा। इसमें काफ़ी वृहद स्तर पे अपराधियों के विरुद्ध चिन्हित करके कार्रवाई की गई है, और जो थाना प्रभारी अभी रिलीव हुए हैं उन्होंने भी काफ़ी उत्साह से इस अभियान में कार्रवाई की गई है, जिसका ही नतीजा है कि अपराधों पर अंकुश लगा है। आगे भी जो नए स्टाफ आएगा उनको भी इस अभियान के संबंध में बता के कार्रवाई आगे जारी रहेगी। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सतराम धाम पहुंचकर PG कॉलेज के प्राचार्य प्रभाकर द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। मां सरस्वती के पूजन के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आज के दौर में साहित्यकारों पर एक महती जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि समाज विडंबना के दौर से गुजर रहा है। कुछ दलों ने अपने हितों के लिए समाज को जाति संप्रदाय में बांट दिया है। आपके में 2 पुस्तकें हमने दी, बाबा साहब की पुस्तक मार्गदर्शन के लिए आपने लिखी, बहुत अच्छी बात, और स्लोगन भी यही है कि पढ़ने योग्य लिखा जाए, लेकिन दूसरा विचार है कि लिखने योग्य किया जाए। अम्बेडकर जी ने लिखने योग्य किया, इसलिए आपने लिखा। ऐसे अनेक लोग हैं जिनने समाज को संगठित करने का काम किया है, और ये जिम्मेदारी साहित्यकारों की। देश के अंदर आए तो राजनीति के अंदर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान कर दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, लोगों ने हिंदू शब्द को कोड बना के मतदान कर दिया। मतदान किया तो यह हुआ कि जो जाति राजनीति थी, स्वाभाविक रूप से उस पर प्रहार हो गया। मध्य प्रदेश के कैलारस नगर परिषद में पेयजल आपूर्ति के लिए 2 नलकूपों का उद्घाटन नगर परिषद की अध्यक्ष अंजना ब्रजेश बंसल ने किया, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 की दलित बस्ती के 150 से ज्यादा घरों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसी क्रम में थाना प्रांगण में स्थित पानी की टंकी कई वर्षों से खाली थी, अध्यक्ष ने नया बोरिंग का उद्घाटन कर कैलारस नगर परिषद में निवासित सैकड़ों परिवारों की पेयजल समस्या को दूर किया। परिषद कैलारस में पानी की समस्या को देखते हुए जब मैं चुनाव के दौरान जब नगर में रही, मोहल्लों में रही, तो सभी लोगों ने अपनी पानी की समस्या बताई। उस समस्या को मैंने प्राथमिकता से लिया। वार्ड नंबर 1 हरिजन बस्ती में कई लोग पानी समस्या से जुड़े रहे थे, इससे उन्हें पानी से निजात मिलेगी और पानी की समस्या भी खत्म होगी और उन्हें स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। क्षेत्र के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से गंज बासुदा पहुंचकर सैकड़ों ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पर विभिन्न समस्याओं से SDM को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलने के कारण उन्होंने SDM को ज्ञापन दिया। वहीं बिजली, पानी, राशन कार्ड एवं आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभ से ग्रामीण वंचित है, क्योंकि उनका क्रियान्वयन सही नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से क्षेत्र में समस्याएं व्याप्त है। क्या है, ये एक गांव से तो आए नहीं हुए, 10-15 गांव के लोग हैं। इनकी समस्याएं व्यक्तिगत भी अलग है, सामूहिक भी अलग है।
कि किसी गांव में पानी की समस्या है, जो वन भूमि में कब्जा की हुआ अभी तक तो जिन लोगों को वन अधिकार पत्र नहीं मिले हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों को वन अधिकार पत्र मिलने के बाद भी वन विभाग द्वारा उन पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग अब ये 2 अक्टूबर 2018 को बलवर में 25,000 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें ग्वालियर से दिल्ली को ये कानून पास कराने के लिए हम वहाँ से लगभग वंचित समुदाय के लाखों लोग दिल्ली को ट्वीट करेंगे, क्योंकि ये कानून पास होगा तभी ये इनके क्रियान्वयन के लिए जो किया गया है उसके लिए इनके तात्कालीन कार्रवाई की जाए, जिसपे आगे बढ़ कर इनका काम किया जाए त्वरित गति से। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, ना ही तो कोटेशन का है, ना ही गैस कनेक्शन है। जिसके पास पेल से एस्टरा है उसी के लिए मिल रहा है हमारी पंचायत में, लेकिन हम गरीबों लोगों के लिए कुछ भी नहीं। राजमहला स्थित खालसा स्टेडियम में शुक्रवार को लगाए गए रोजगार मेले के पहले दिन कुछ समय के लिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई, लेकिन सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम व कलेक्टर निशांत वरवड़े, एडीएम अजय देव शर्मा ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए व्यवस्थाओं को संभाला। इसी के साथ कलेक्टर ने कहा कि मेले को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, शनिवार को युवाओं के लिए मेला लगाया जाएगा जो कि सिर्फ 18 से 35 साल तक के युवाओं के लिए होगा, और जो महिलाएं शुक्रवार को इंटरव्यू देने आई थी उनमें से बची 4,000 से ज्यादा महिलाओं के इंटरव्यू प्रशासन 7 और 8 जुलाई को कराए जाएंगे। इसी के साथ विशेष 7 जुलाई को विधवा महिलाओं के लिए शिविर लगाया जाएगा। जबलपुर में नवनिर्मित जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि देश की अदालतों में बेहतर अधोसंरचना की जरूरत है, सभी न्यायालयों में न केवल आवश्यक सुविधाएं हों वरन वहां का वातावरण भी न्यायालय की गरिमा के अनुरूप हो। साथ ही कहा कि इनमें जरूरी तौर पर लॉयर्स चैम्बर होना चाहिए। उन्होंने न्यायालयों में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की आवश्यकताएं भी प्रतिपादित की। श्री मिश्रा ने कहा कि सुविधाएं बढ़ेंगी तो निश्चय ही परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। जबलपुर में नवीन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एशिया की बेहतरीन कोर्ट्स में शुमार साकेत कोर्ट से जबलपुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स किसी भी मायने में कमतर नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि देश के सभी न्यायालयों में इसी प्रकार की बेहतरीन अधोसंरचना और अत्याधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र से लापता हुई महिला सपना पति भूपेंद्र सिंह लोधी निवासी गोविंद नगर खारचा की लाश कंपेल गांव के कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। एसटीएफ इंदौर प्रभारी एसएल बोरासी ने बताया कि प्रआर दीपक चाचर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मृतक महिला को सुनील और उसकी पत्नी बबीता एवं भाई बंटी धानुक ने घर में हत्या कर लाश को पेटी में बंद कर ऑटो रिक्शा से कंपेल गांव के कुएं में फेंक दिया है। जब पुलिस ने बटी पिता रमेश धानुक निवासी कुलकर्णी भट्टा को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने उक्त घटना को अंजाम देना कबूल किया। वहीं मुख्य आरोपी सुनील और उसकी पत्नी बबीता फरार बताए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुना नेशनल हाईवे 46 पर फोरलेन निर्माता कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने चक्का जाम कर नारेबाजी की। बिलोनिया गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के रास्ते पर रवि इंफ्रेबिल्ड प्रोजेक्ट कंपनी ने नाला खोद दिया, जिससे गांव का रास्ता बंद हो गया है। साथ ही इस नाले में बारिश का पानी भराने से ग्रामीणों को हादसे की आशंका है, जिसके चलते ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत किया। उज्जैन में 2016 आयोजित हुए सिंहस्थ में सेवारत होमगार्ड सैनिकों के भविष्य के साथ राज्य सरकार ने बड़ा ही बेहद छलावा किया है। जहां सिंहस्थ 2016 में होमगार्ड युवकों को 2 जून को मेडिकल रिपोर्ट में फिट बताया, वहीं अब 53 होमगार्ड सैनिकों को मेडिकल रिपोर्ट में अनफिट बता दिया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन उनके किए वादे खोखले साबित हुए हैं। इस पूरे मामले में युवकों ने होमगार्ड कमांडेंट सुमन बिसारिया के खिलाफ रोष व्यक्त कर कलेक्टर से शिकायत की है। मेडिकल में जो दिक्कत आ रही है कि अभी 2 तारीख से हमारा मेडिकल होना था, 2 तारीख को मेडिकल हो गया, उसमें सभी लड़के योग्य पाए गए हैं, सिविल सर्जन ने बकायदा साइन करे उस पर। उसके बाद 5 तारीख को ऑफिस से लेटर जा रहा है कि नहीं, 6x6 होना चाहिए, जबकि इन लोगों ने पहले जब बोला था पुलिस और SF की गाइडलाइन पर मेडिकल होना चाहिए। इसके बाद इनके पास कोई लिखित में आदेश नहीं था। उसके बाद लड़कों को अनफिट कर रहे हैं, अलग से भेज रहे हैं, 6x6 लड़के कहाँ से आएंगे, और डॉक्टर खुद बोल रहा है 6x6 कोई नहीं है यहाँ पर।
गुना जिले के गांव देहरी कला में ग्राम स्वराज अभियान के दौरान हुए हंगामे में सचिव कृष्णपाल सिंह रघुवंशी और सहायक कमलेश प्रजापति को बंधक बनाया गया। इस हंगामे के दौरान आरोपियों ने बीपीएल सूची के दस्तावेज फाड़े, जिसमें वीरन धाकड़, मनोज धाकड़, बनवारी लाल और लाखन सिंह पर आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद जनपद सीओ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गुना मुख्यालय में 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन के संरक्षण के लिए अधिकारी द्वारा एक पहल की गई है, जिसमें भाजपा विधायकों को पत्र लिखकर वन संरक्षण के लिए मदद मांगी गई। वन संरक्षक डीएस कनिष द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वन और जल संरक्षण की दिशा में काम किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक पन्नालाल शाह के विधायक ममता मीना, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा को पत्र लिखा और ये बात कही है। साथ ही इस मामले में जनप्रतिनिधियों ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। अभी की मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।